नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और आपके साथ मैं रश्क गौरी। जोखिम में जान, जी हाँ, रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे अस्पताल का गोरख धंधा जोर शोर से चल रहा है और अधिकारियों के साथ गांठ के बिना ऐसा तो संभव ही नहीं है। दरअसल रायपुर में 1321 निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं और जिसमें से 347 अस्पतालों को मान्यता, महज ये जो 347 जो आंकड़ा बता रहे हैं, सिर्फ इतने ही अस्पतालों को मान्यता प्राप्त है। तो ये 974 अस्पताल ऐसे हैं जो बिना मान्यता के ही सालों से संचालित होते आ रहे हैं और इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को भी है, लेकिन तमाम अधिकारी लंबे वक्त से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जिला चिकित्सा अधिकारी आर सोनवानी का कहना है कि ये बिना मान्यता जो अस्पताल संचालित हो रहे वो सालों से संचालित हो रहे हैं। अब टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सत्ता बदली है तो नींद भी खुली है, तो अब कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अस्पताल सील भी किए जाएंगे। अब तक 3 अस्पतालों को गैर जिम्मेदारी वाले काम पर सील किया जा चुका है, आगे भी कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत के बिना यह सब देखिए संभव नहीं है। और 950 से अधिक अस्पताल जो है वह पंजीकृत ही नहीं है, मतलब ना तो उसमें पानी की व्यवस्था है, फायर सेफ्टी सिस्टम वहां चल रहा है नहीं चल रहा है इसका कोई माई बाप नहीं, मरीजों को किस प्रकार से देखा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग इसकी भी जो है इसके लिए भी सजग नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले इन अस्पतालों पे तत्काल जो है ताला लटकना चाहिए। इसके लिए हमारे प्रशासन के निर्देशन में एक टीम बनाया गया है, वो जाके पूरा छापा मारवाई करेंगे, अगर कहीं पे कुछ गलती है या कहीं पे इलीगल है तत्काल बंद करने के या उसे सील लगाने का है। लाइसेंस नहीं मिलने के कारण एक ही कारण है कि वो एलिजिबल नहीं है, जो झूला छाप जिसको बोलते हैं आम भाषा झूला छाप। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ तमाम चीजें निमित्ताएं चल रही। जोखिम में जान, जी हाँ, रायपुर में 209 डेंटल क्लिनिक में से केवल 36 को ही मान्यता मिली हुई है। बिना मान्यता के यहाँ पे 203 डेंटल क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। 303 नर्सिंग होम में से 280 को ही सिर्फ सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, मान्यता मिली हुई है, और बिना मान्यता के यहाँ पे कुल 22 नर्सिंग जो होम है वो संचालित है। 88 फिजियोथेरेपी सेंटर में से सिर्फ एक को ही मान्यता मिली हुई है। 103 तो ऐसे हैं जिनकी मान्यता का अता पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेधड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। 87 पैथोलॉजी लैब की बात कर ली जाए तो 460 पैथोलॉजी लैब में से सिर्फ 453 को ही मान्यता है। 77 डायग्नोस्टिक और सोनोग्राफी एक्सरे सेंटर में से 73 को ही मान्यता है, बिना मान्यता के चल रहे हैं कुल मिला के 48 कलेक्शन सेंटर। तो ये स्थिति है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि जहां पे नसबंदी कांड हो जाए उसके बाद आप फोड़वा भी हो जाए, तमाम ये वो जो कांड है क्यों नहीं होंगे जब इनका कोई माई बाप नहीं, इनको मान्यता देने वाला कोई नहीं, और कैसे ये चल रहे हैं, मॉनिटरिंग भी नहीं, स्वास्थ्य विभाग को पता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इस वजह से कहा भी जा रहा है कि जो मरीजों की जो जान है वो भगवान भरोसे है। तो चलिए इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास पैनल जुड़ गया है। चलिए तारुफ आपका करवाते हैं। राकेश गुप्ता है अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ। गुप्ता साहब आपका बहुत स्वागत है। के आर सोनवानी जी हैं जिला चिकित्सा अधिकारी सोनवानी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। ममता शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता, ममता जी आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश जी, सत्ता परिवर्तन हुआ है, वक्त है बदलाव का, तो लग रहा है कि अब ये जो तमाम बिना मान्यता के जो अस्पताल संचालित हो रहे थे अब उन पर लगाम कसने की जो कवायद की जा रही है अब शुरू की गई है। देखिए, नर्सिंग होम एक्ट 2013 में आया और इसका उद्देश्य ये था कि जो वैध शिक्षा प्राप्त लोग हैं या फिर मरीजों की सुविधाओं के लिए जो वहाँ पर नर्सिंग होम में या क्लिनिक्स में जो सुविधाएं होनी चाहिए उनका निरीक्षण कर उनको मान्यता देना था। कालांतर में हुआ ये कि अन्य विभागों के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसमें जोड़े गए, जैसे फायर सेफ्टी एक्ट है या बायोमेडिकल वेस्ट के दूसरे हैं, पीएनडीटी एक्ट है या फिर रेडियोलॉजी का एसीबी एक्ट होता है, ये 4 एक्ट उसमें जोड़े गए और इनकी मान्यता मिलने के बाद ही नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस मिलना जरूरी हुआ। लेकिन 2013 से पहले जो नर्सिंग होम बने थे
वो उस हिसाब से नहीं बने थे जो उनको नर्सिंग होम एक्ट फॉलो करता। छोटे इलाके में बने थे, रेजिडेंशियल इलाके में बने थे, पार्किंग जो 2013 के पहले का रायपुर था उस हिसाब से थी, प्लांटेशन नहीं था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं थी। तो समय समय पर इनको पूरा किया गया है, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशन जो सेंट्रल एक्ट के हिसाब से हैं उनको वर्तमान बिल्डिंग में पूरा कर पाना संभव नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि 1000 कुछ जो आप ये नर्स बता रहे हैं, चिकित्सा परिसर बता रहे हैं, इसमें सभी पैथी के सभी क्लिनिक और नर्सिंग होम शामिल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो बगैर डिग्री वाले भी जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो शायद इसमें शामिल हो लेकिन सकते हैं। लेकिन राकेश जी, बड़ा सवाल ये है कि आप भी कह रहे हैं बगैर डिग्री वाले भी जो चिकित्सक हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। हाउ कैन दैट पॉसिबल सर? आप खुद बताइए कि मरीजों की जान, के इंसान की जान इतनी सस्ती हो जाती है कि बिना ऑथराइज किसी जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके बिना चेक किए हुए बिना डिग्री के ही ऐसे तमाम जो अस्पताल है वो कुकर मुत्ते की तरह पैदा हो जाते हैं और वो चलते रहते हैं, लोगों की जान चली जाती है। कई ऐसे काम हैं जो छत्तीसगढ़ में हमने देखे तो इसमें अस्पताल तो शायद नहीं होंगे लेकिन ज्यादा क्लिनिक हैं, क्योंकि उस समय ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रावधान किया गया था तो उसको कोई भी जाके कर सकता था। इसमें बहुत सारी चीजें अभी अलग थलग की गई हैं और चूंकि नई कांग्रेस की सरकार आने के बाद नर्सिंग होम एक्ट में सिंप्लीफिकेशन की पहल की गई है, 50 बिस्तर से कम नर्सिंग होम जो अन्य राज्यों की तरह नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों से मुक्त करे जाएंगे और जो उसमें स्पेसिफिकेशन होंगे या उत्कृष्टता के या मरीज की सुविधाओं के हिसाब से जो प्रावधान है उसमें ढिलाई देने का प्रावधान शायद नहीं रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो वन टाइम एग्जम्पशन की मांग थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 2013 से पहले के नर्सिंग होम की, वो शीघ्र ही पूरी होगी। ठीक है सोनवानी जी, ये कैसे पॉसिबल है कि बिना डिग्रीधारी भी एक अच्छा खासा नर्सिंग होम संचालित कर लेते हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये बिना अधिकारियों की साठगांठ के तो पॉसिबल नहीं है। अधिकारियों को सब पता रहता है कहाँ क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वक्त रहते कार्रवाई कभी नहीं की जाती। जो राकेश जी बताए वो सही बात है कि 305 रायपुर शहर में केवल 305 नर्सिंग होम है केवल, उसमें का 135 लोगों को जो जिसके जो नाम से मुताबिक जैसे कि फायर सेफ्टी है, बायोमेडिकल वेस्ट है और आपका ये जो अनापत्ति प्रमाण नगर निगम का, ये जो है केवल 305 में 135 लोगों को केवल मिला था, हमने 135 को लाइसेंस दे चुके हैं। ठीक है, लेकिन सर मेरा सवाल सुनवानी जी, शायद आपने मेरा सवाल सुना नहीं। मेरा सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि जिसके पास डिग्री नहीं है, जो डिग्री होल्डर नहीं है, वो एक नर्सिंग होम संचालित करते हैं जहाँ पे प्रॉपर चीजें नहीं है, स्टाफ भी नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाता है सर? कहीं ना कहीं से ऊपर से संरक्षण मिलता है तभी ये चीजें नीचे तक जाती हैं सर, ये कैसे हो जाता है? क्या इंसान की जान इतनी सस्ती है सर? तमाम प्रावधान आप मुझे अभी बता देंगे, दर्शकों को भी बता देंगे। नर्सिंग होम नहीं है, एक मिनट, रायपुर में ऐसा कोई नर्सिंग होम नहीं है जो बिना डिग्री के चल रहा होगा। जो डिग्री है उसको हम नहीं दे इसलिए पाए कि वो नाम से मुताबिक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, जैसे कि फायर सेफ्टी है नगर निगम का, वो स्पेस का है और आपका बायोमेडिकल वेस्ट का, ये नहीं कर पाए थे। पुराने बिल्डिंग में LIG MIG का इक्विपमेंट चला रहे थे, उसको हमने सर्वे किया सबका। सर डिग्रीधारी डॉक्टर्स होने के बाद MS MD होने के बाद भी आंख फोड़वा हो जाता है, आपके यहाँ अगर नसबंदी कांड हो जाता है, और फिर अगर जिस तरह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित होते हैं उनमें कितनी अनियमितताएं होती हैं ये आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ममता जी आप बताइए कि जिस तरह से अनियमितताएं हम इस मेडिकल प्रोफेशन में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, जिसका रिजल्ट ये है कि इंसान की जान बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है। गौरी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर इस सिस्टम कोलैप्स हो रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदार लोगों का हाथ है, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए जो सिस्टम को सिस्टमेटिक चलाने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत गलती से मुझे एक जांच कमेटी का हिस्सा बना दिया गया जिसमें सारी चीजें निकल के आ गई हॉस्पिटल की और उसके खिलाफ FIR करने और उसका लाइसेंस तक निरस्त करने की बात हो गई।
इस चीज को संचालक को नेशनल हेल्थ एजेंसी दिल्ली जो मुख्यालय है उन्होंने जांच करके अनुशंसा की है कि उस हॉस्पिटल के ऊपर FIR दर्ज की जाए, उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। ये सुनवानी जी के नॉलेज में भी है। रायपुर का भी डॉक्टर सुनील खेमका का जो नारायणा हॉस्पिटल है उसकी भी जांच की जिम्मेदारी है, जिसमें सर भी एक मेंबर है। लेकिन SDM को भी मैंने बोला कि महोदय आप मुखिया है, अभी तक एक भी जांच नहीं कर रहे, तो स्पष्ट कह दिया गया कि इस पे कुछ भी नहीं करना है। तो अधिकारी यहाँ पर सोनवानी जी की मजबूरी है, वो चुप करके हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और हम एक्टिविस्ट लोग परेशान हैं कि जिम्मेदार लोग इतने आंख मुन करके गंधारी कैसे बन गए, विकराष्ट कैसे बन गए, जिनकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य महकमा को लेकर के लोगों की मतलब जीवन मृत्यु से जुड़ा हुआ है, इतना मतलब उसमें लापरवाही और जानबूझ करके की जाने वाली लापरवाही। तो ये बिना सिस्टम के जुड़े, बिना सिस्टम के सहमति के हो ही नहीं सकता। और सबको मालूम है कि कहाँ धांधली हो रही है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन एक मोटा अमाउंट इनको चंदे के तौर पे मिलता है राजनीतिक दलों को, तो राजनीतिक दल बिल्कुल खबर भेज दी है कि कोई कार्यवाही नहीं करना है। अब मैं इस पर PIL में जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो स्थिति यही है जो मेरे सामने है एक्टिविस्ट के रूप में, कि हम हर वो मंजिल तक पहुँचते हैं जहाँ हमें पता चल जाता है कि अपराधी कौन है, किस ढंग से अपराध कर रहा है, लेकिन वही धाक के तीन पर कि जिनको कार्रवाई करनी है वो विकराष्ट है यहाँ पर। बिल्कुल राकेश गुप्ता जी, इस सवाल का जवाब तो मैं जाहिर सी बात है आपसे ही लूंगी, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ कांग्रेस पार्टी से। आप बताइए वो कौन सा ऐसा दबाव रहता है कि दबाव के चलते आम जो आदमी है उसकी जान को आप लोग बेहद सस्ता मान लेते हैं। सिर्फ ये मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं मेरा ये सवाल दोनों ही पार्टियों से है। हालांकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई डेलीगेशन कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए मैं आपसे ही इसका जवाब लूंगी कि कौन सा वो दबाव रहता है, सिर्फ चंदे की वजह से कि पार्टी को संचालित करना है, चुनाव जीतना है, इस वजह से मतलब कोई जांच नहीं होगी, इंक्वायरी जो हो रही है उसको भी बंद कर दिया जाएगा, बंद लिफाफे में कुछ और रिपोर्ट चली जाएगी, क्यों, कब तक? देखिए दबाव की स्थिति होती तो कभी कमेटी नहीं बनती, कमेटी बनी है तो जांच जरूर शुरू होगी। और ममता शर्मा जी खुद कमेटी की सदस्य हैं, वो एक नर्सिंग होम का दौरा करके उसके सब बता भी तो रहे हैं नर्सिंग होम कि की कमेटी की सदस्य है और फिर तो उसमें क्या हो रहा है, ये इस बात का तो जिक्र कर रही है। और दूसरी बात नहीं, कमेटी की पहली कमेटी की रिपोर्ट ये खुद बताएंगे, सार्वजनिक हुई है वो। गौरी और कहा गया है कि किसी प्राइवेट व्यक्ति को किसी एजेंसी को इस जांच टीम में कैसे रख लिया गया, मतलब ये देखिए ये पारदर्शिता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को एक जांच कमेटी में रखा गया है, ये सरकार की प्रतिबद्धता का नमूना है। दूसरी चीज आपकी, आपने जो बात कही MDMS के होते आंख फोड़वा कांड हो जाता है, दोनों रिपोर्ट जो नसबंदी कांड और आग फोड़वा कांड की है वो उसमें नकली दवाइयां दोषी थी, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, ये आपके नॉलेज और करेक्शन के लिए। नहीं सर, ये मुझे पता है कि उसमें नकली दवाइयां थी, लेकिन नकली दवाइयां अगर सरकारी अस्पतालों में जा रही हैं और अगर पता है, अगर आप टेंडर पास कर रहे हैं तो ये कहाँ से हो रहा है, ये भी तो सिस्टम का फेलियर है सर, ये कहाँ से, नॉलेज तो है सर, पता है मुझे भी, लेकिन ये हो तो रहा है सरकार MDMS जो है उनके ही उससे हो रहा है ना, सिस्टम का क्या देख नहीं पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, क्या देख नहीं पा रहे हैं, इंजेक्शन लगाने से पहले ड्रॉप डालने से पहले मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं देखी जाती, लेना देना नहीं है, वो दवा ही नकली थी। तो सर सवाल तो यही है कि पास तो आप लोगों से हो रहा है ना सर, आप लोगों की भी कमेटी बनती है, पास तो आप ही लोगों के थ्रू से हो रहा है। छत्तीसगढ़ दवा कॉरपोरेशन के क्रियाकलाप एक जांच का विषय है, इसके बारे में पार्टी की ओर से चिट्ठी लिखी जा चुकी है और जांच की भी मांग की जा चुकी है, आपने देखा होगा पिछले दिनों। मैं आपको नर्सिंग होम और नर्सिंग होम एक्ट के जो विषय है इसके बारे में आपको ले जाना चाहता हूँ कि एक छोटा राज्य हरियाणा और एक बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश अपने प्रदेशों में 50 बेड से कम नर्सिंग होम्स को नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों से मुक्त कर चुका है, लेकिन मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि नर्सिंग होम एक्ट केवल सेवा की उत्कृष्टता और मरीज की सुविधा के लिए बनाया गया है, न कि डॉक्टरों को परेशान करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि जो सेंट्रल लॉ है या बायोमेडिकल वेस्ट है या फायर के जितने प्रावधान है या एटॉमिक रिसर्च बोर्ड के जो प्रावधान है उनको पूरा किया जाए,
और जो लोग उत्कृष्टता से निजी क्षेत्र में सेवा देते हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों से सरकारी अस्पतालों को मुक्त रखा गया है। ये अपने आप में पॉलिसी का पैरालिसिस और मायोपिया है। हम चाहेंगे कि सभी मरीजों को, चाहे सरकारी अस्पताल में जाएं चाहे प्राइवेट अस्पताल में जाएं, उनको सेवा की उत्कृष्टता मिले और एक जैसा नॉर्म्स मिले ताकि पारदर्शिता बनी रह सके। और इसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और मुझे लगता है कि हमारी सरकार इस बात को भी सुनेगी। जो नर्सिंग होम एक्ट है वो निजी उपचर्या सेवा अधिनियम है, न कि सरकारी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बाकी अस्पतालों में क्या हो रहा है, हम सब लोग छत्तीसगढ़ में चिकित्सा सेवा की उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमें लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर बेहतरी की ओर हैं। जी बिल्कुल सोनवानी जी, और कैसे हम बेटर तमाम फैसिलिटीज दे सकते हैं, हम कैसे एक अच्छा, अगर बात करें हेल्थ में, हम कैसे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि जो पारदर्शिता की बात यहाँ पे राकेश जी कर रहे हैं वो पारदर्शिता भी बरकरार रहे और आप लोग जैसे अधिकारियों पर कोई दबाव भी ना रहे। नहीं, मैंने जिससे बताया कि 305 के बाद रायपुर शहर नर्सिंग होम है उसमें 135 को दे चुके हैं वो, उसमें जिसमें अब बाकी 175 लोगों को जो एलिजिबल नहीं, मतलब वो जो नाम पूरा नहीं किए हैं वो अब कर लिए हैं, धीरे धीरे उसको तैयारी कर रहे हैं देने का। तो ये बता दूं आप, करीब 800 जो है आयुर्वेदिक और वो है होम्योपैथिक यूनानी वाले दवाई वो है, क्लिनिक है ना कि मतलब वो नर्सिंग होम है। उसका भी जो आपने 1100 बात किए ना, उसमें 800 के इलाज जो आयुर्वेदिक है होम्योपैथिक यूनानी क्लिनिक है, उसमें केवल हम एलोपैथिक का दे चुके हैं नर्सिंग उसका लाइसेंस। बाकी जो 380 जो बचा है यूनानी और आयुर्वेदिक, पिछले साल उसका आदेश आया है कि उसको अपने नर्सिंग होम में एकदम रखना है करके जी। तो उसका भी अभी चले मीटिंग, मतलब एक टीम बन गया है, आज इस एक आध महीने दो महीना उसका भी हम लाइसेंस दे देंगे जी। बाकी जो पैथोलॉजी का है, पैथोलॉजी है सोनोग्राफी एक्सरे टेप का, उसका भी हमने 181 में 70 को दिए हैं। बाकी जो जो बाकी बचा है 110 111 उसको हम अभी देंगे, उसको उसका अग्निशामक है जो बायोमेडिकल बेस्ड है। जिस तरह से आप लोग पैथोलॉजी का जो रजिस्ट्रेशन पास करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन उनका क्लियर करते हैं, क्या नॉर्म्स रहते हैं, किस बेसिस पे आप इनको रजिस्ट्रेशन देते हैं कि ताकि, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बड़ी बड़ी नामी ग्रामी पैथोलॉजीज रहती हैं, वहां पे हम कई मरीज जाते हैं जांच के लिए, लेकिन जो रिपोर्ट आती है कई, मतलब उसमें भी कॉन्ट्राडिक्ट रहता है, कहीं कुछ पाया जाता है कहीं कुछ पाया जाता है, तो क्या पैरामीटर रहता है? नामी जो कंपनी है उसका तो पूरा रहता है, पूरा फुल फिल रहता है, उसी को मिला है जो कई जगह करीब 40 बता रहे हैं आप, उसमें एक कलेक्शन सेंटर है जो दूसरे एक मतलब नेशनल कंपनी से लेके अपन टाई अप करके उसका कलेक्शन करते, रिपोर्ट फिर एक दो दिन बाद में आता है। ठीक, तो वो पूरा अपने को एक 181 जो अपने रायपुर शहर में जो है उसमें आधे तो ज्यादा आधे पूरा वो कलेक्शन सेंटर है, जिसमें थोड़ा सा क्लिनिक में थोड़ा सा रूम में करके है, उसके लिए भी हम उसमें डाल रखे हैं। और जो जो नाम को पूरा करने के लिए कहा है, अभी 2019 में 19-20 में आपका सबका अभी रिन्यूअल होने का है। ठीक, उसमें अब जो मिलेगा पूरा नाम के मुताबिक उसको नर्सिंग मिलेगा। क्लिनिक का हमने दे चुका है, आरवदी का हमारा बचा करीब 400 जी, उसको हम अभी आने वाले दिन में दे देंगे उसका जी, क्योंकि आर्डर अभी 217-18 माया उसका जी। ममता जी, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लंबे वक्त से आप समाज के अलग अलग वर्गों के हितों के लिए लड़ाई लड़ती आ रही हैं, और आप भी देख रही हैं कि कई मर्तबा सिस्टम दबाने की भी कोशिश करता है, चुप कराने की कोशिश करता है, इस कंडीशन में आप लोग वो हौसला कहाँ से लाती हैं कि नहीं इस लड़ाई को लड़ना ही है? और जो सिस्टम का जो फेलियर है, हम मेडिकल, जिस तरह से आज हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड से बात कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ आप देख रही हैं कि कितना सुधार हुआ है इन मतलब 17 सालों में 18 सालों में? देखिए, एक लंबा समय होता है 17-18 साल किसी एक प्रदेश के डेवलपमेंट में, है ना। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हुआ, सड़कें बिल्डिंग काफी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है और बहुत से हॉस्पिटल बने, काफी जो बड़े कंपनीज है वो यहाँ करके उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट रखा, लेकिन इस सबके पीछे जो एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए स्टेट की वो कहीं ना कहीं वीक है। और मॉनिटरिंग के अलावा जो सिस्टम को सिस्टमेटिक करने की, देखिए अभी भी
सब जगह मोटर व्हीकल एक्ट जो है लागू हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी सोच रहे हैं। आप जब तक दबाव नहीं बनाएंगे, डर नहीं बनाएंगे, आप जुर्माने की राशि नहीं लेंगे, लोगों को डर क्यों होगा, क्यों वो फॉलो करेंगे। तो उसी तरह यहाँ ये स्वास्थ्य विभाग में भी यही चल रहा है कि जिसका अप्रोच है वो आदमी बच के निकल जाता है, जो कमजोर है वो फंस जाता है, या तो उसको लाइसेंस नहीं मिलता, या वो कई बार उल्टे सीधे काम करके वो बैकडोर से अपनी दुकानदारी चलाता है, छोटे झोला छाप और इस पे पकड़ पकड़ के कार्रवाई होती है। लेकिन जो बड़े नामी गिरामी जो संस्थान है वहाँ पर अगर गलतियां हो रही है, पूरे एविडेंस के साथ भी रखते हैं, तो वहाँ पर उसको अनदेखा करने का कार्य बिल्कुल ईमानदारी से होता है यहाँ पर। तो ये जो तरीका है, ये वाकई हम लोग भी परेशान होते हैं। गौरी जी, अगर मैं बात करूं कि मैंने जब हॉस्पिटल की शिकायत की, उस पर सारा कुछ हो गया, ये नेशनल हेल्थ एजेंसी ने अनुशंसा की है FIR दर्ज करने की, और अब ये नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी तक ने लिख दिया है हेल्थ विभाग के कि इस पे अपराध दर्ज किया जाए, पर नहीं हो रहा है। भाई दर्ज तो विभागीय अधिकारी करेंगे ना, संचालक को हुआ है, नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में मुझे अब हाईकोर्ट में PIR लगाना होगा। अगर मैं सिंगल हॉस्पिटल को लगाती हूँ तो मुझे जिले में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं 3 हॉस्पिटल का जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो लेके जाऊंगी, इसमें बड़ा PIR होगा। तो पूरे छत्तीसगढ़ के जो हॉस्पिटल है जहाँ पे इस तरह की धांधली हो रही है, योजनाओं का पैसा जो है गबन किया जा रहा है और मरीजों से भी पैसा लिया जा रहा है आयुष्मान वगैरह के तहत, तो अब मेरे पास यही रास्ता बचा है। फिर लोग कहते हैं कि आप बड़े लड़ाक हैं, आप ही ने लड़ाक बना दिया। आप अगर सिस्टमेटिक मेरी बातों को, यानी आम जनता जो सच कह रही है उनकी बातों को सुन लेते, उस पर कार्रवाई करते, तो आपके खिलाफ हाथ उसे बिगुल नहीं फूकना पड़ता। बिल्कुल, और इसमें भी हम लोग खुश नहीं होते हैं। मेरा 40 से 50 हजार रुपए मेरा PIL में खर्च होगा। बिल्कुल, वाकई में। और ये बड़ा सवाल भी है, शासन किसी तरह से मुझे सहयोग करेगा। बड़ा सवाल है, क्योंकि नौबत ही, आंदोलन धरने की नौबत ही ना आ पाए। अगर फर्स्ट प्राइम ऑफ फेस में अगर हम तमाम चीजों को सीरियसली देख ले और उन पे अगर हम एक्शन लेने लगे, क्योंकि वक्त की बेहद कमी बची है। सोनवानी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी आपसे। हाँ, मेरा सभी नर्सिंग होम से आग्रह है कि वो जो नॉन्स में है उसको साथ भी अपना एप्लीकेशन दे, और हमारा टीम अभी जाएगा पूरे महीने में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उस पर जवाब मांग रही है कि लोगों को धरना आंदोलन ना करना पड़े, उसमें बताया ना कि क्या किया जाए उसके लिए कार्रवाई के। हाँ, अभी जो आने वाले दिनों के लिए मैं कहूंगा कि अब जो नॉर्म्स मुताबिक ही चले तो तभी उसका आगे मान्यता मिलेगी, अदरवाइज जो नॉर्म्स नहीं चलेगा उसको मान्यता नहीं देंगे, हम तो आपको प्रॉमिस करते हैं। जी बिल्कुल। ममता जी, कंक्लूडिंग रिमार्क बहुत कम शब्दों में। मैडम, यही है कि जो विभाग जिस कार्य के लिए बना हुआ है उसमें ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से वो अपनी जिम्मेदारी समझे और अपनी ड्यूटी निभाए। अन्यथा इस तरह से अगर होते रहेगा तो वही ढाक के 3 पास कि एक तरफ आप विभाग को मजबूत करने के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग उसमें अभी भी हलाकान हो रहे हैं। बिल्कुल, चलता रहे। राकेश जी। जी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क सर। देखिए, नर्सिंग होम एक्ट और उस नर्सिंग होम एक्ट और दूसरे जो प्रावधान किए गए हैं वो जनता को चिकित्सा सेवा की उत्कृष्टता के लिए बनाए गए हैं। मुझे लगता है कि इनमें पारदर्शिता की आवश्यकता है, और जो 2013 से पहले के नर्सिंग होम है उस पर वन टाइम एग्जम्पशन की जरूरत है। लेकिन किसी प्रकार की सेवा में हील हवाला न हो, या फिर शासकीय योजनाओं में किसी प्रकार की का घपला न हो, इसके लिए मॉनिटरिंग टीम बनाने की जरूरत है। स्वास्थ्य का अमला बहुत छोटा है, उनके पास बहुत सारे काम है। मुझे लगता है कि सरकार इस ओर यदि प्रयत्न करेगी ताकि मॉनिटरिंग मजबूत हो सके तो ज्यादा अच्छा होगा। मॉनिटरिंग के साथ एक्शन भी मजबूत हो तो एक बेटर मैसेज भी कन्वे हो जाएगा। बहुत शुक्रिया राकेश जी चर्चा में शामिल होने के लिए। ममता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सोनवानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे संचालित तमाम अस्पतालों में जो गोरख धंधा चल रहा है उस पर किस तरह से अधिकारियों की साठगांठ है, इन तमाम चीजों को लेकर हमारे गेस्ट का भी क्या कहना था, हमने चर्चा इसी पर की। देखते हैं कितने सख्त कानून बनते हैं और उनका कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है। बहरहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।